आने वाले हैं माँ शीतला डीजे में भैया कमलेश का साथ देने वाले सभी भाइयों से। सबसे पहले बात करते हैं माँ शीतला डीजे के ऑपरेटर से। भैया आपका नाम बताइए और अपने ऑपरेटिंग का अनुभव और सब कुछ बताइए आपको। मेरा नाम अजय पटेल है, मैं इस संस्था में समथिंग 20 साल से हूँ और 20 साल से मैं भाई का सपोर्ट करते आया हूँ। आज तक जहाँ भी हुआ है जैसा भी है मेरी ही वहाँ मांग आता है और ये सब चीज़ आगे भी बने रहेगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भैया के जाने के बाद ये सब चीज़ कौन संभालेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो या बंद हो जाएगा ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे भी भैया जैसे बना के रखे थे उस टाइप का आज भी बना रहेगा और उससे अच्छा ही और हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन है कि माँ शीतला डीजे का एकदम फुल सपोर्ट करें। भैया माँ शीतला डीजे में ही आप ऑपरेटिंग करने की शुरुआत की है या इसके पहले कहीं और करते थे? सबसे पहले मैं यहीं से ही स्टार्ट किया और यहीं भी आज भी हूँ। भैया यहाँ काम करते हुए ऑपरेटिंग का काम करते हुए आपका अनुभव कैसे रहा और किस किस चीज़ से आप सॉन्ग प्ले करते हैं? हम लोग पहले DVD में प्ले करते थे, उसके बाद लैपटॉप आया, फिर DVD में रिमोट से करते थे, फिर लैपटॉप में अभी और अभी उससे अच्छा अच्छा चीज़ और आ गया, जैसे कंट्रोलर हो गया, प्लेयर हो गया, ये सब चीज़ मिलते हैं। इन लोग हम सब बड़े काम में यूज़ करते हैं और फिलहाल ज़्यादातर लैपटॉप से यूज़ करते हैं। तो DJ यूनियन संघ के क्षेत्र में स्वर्गीय भैया शत्रुघ्न साहू जी का कितना योगदान रहा ये आप सभी को बताने वाले हैं, संजय भैया बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, भैया तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान के साथ साथ अपने DJ यूनियन परिवार में उसका बहुत बड़ा विशेष सहयोग रहा। एक एक गांव से एक छोटे छोटे साउंड वाले से लेकर के बड़े बड़े नाम जो दिए हैं भैया का बहुत विशेष सहयोग योगदान रहा। एक छोटे से जिले से अध्यक्ष के पद को संभालते संभालते पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भैया, और हमारे ज़िले में वनांचल से लेकर के शहर ग्रामीण सभी जगह में एक एक गांव में जाकर के पूरे लॉकडाउन में शासन और प्रशासन से अपनी हक की लड़ाई के लिए विशेष सहयोग रहे भैया जी का। और आज भैया जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, हम सबको छोड़कर चले गए, इसके लिए हमें बहुत दुखद हुआ है। भैया की कमी शायद अब कोई पूरा नहीं कर सकता, ऐसे अंतरात्मा को भगवान शांति प्रदान करें। भैया बहुत नेक दिली इंसान थे, उसके मन में किसी के लिए कोई प्रकार का दुराचार व्यवहार ऐसा कभी नहीं हुआ भैया जी का, बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। छोटे से लेकर के बुजुर्ग के जबान में शीतला डीजे का नाम कहीं भी पूछ लो पूरे प्रदेश में, भैया जी ऐसे महान इंसान थे। धन्यवाद दोस्तों। शीतला डीजे कहीं आया हो और वहाँ लोगों की भीड़ ना उमड़े ऐसा हो ही नहीं सकता, आवाज़ सुनकर ही लोग पहचान लेते हैं कि यहाँ शीतला डीजे आया हुआ है। शीतला डीजे के बारे में और जानकारी अभी सभी भैया लोगों से लेने वाले हैं। दोस्तों भैया जी भी अपना इंट्रो देने वाले हैं। मैं एक छोटे से गांव से हूं, मेरा छोटा सा मनिहारी का काम था, मगर भैया जी के मार्गदर्शन से अपने क्षेत्रों में अपना ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां भी मेरा काम गया है भैया जी के नाम से मेरा अलग पहचान हुआ है। प्रज्ञा डीजे के नाम से इसमें विशेष सहयोग भैया जी का है, मेरे को बचपन से लेकर के उंगली पकड़ के चलाना सिखाए हैं भैया जी, और पूरे प्रदेश में जहां भी बैठक हुआ है उस जगह पे मेरे को पहचान दिलाने में भैया जी का विशेष सहयोग रहा। दोस्तों एक और साउंड ऑपरेटर जो माँ शीतला डीजे का ऑपरेटिंग करते हैं उनसे मिलिए, ये अपना परिचय के साथ अपना अनुभव बताइए। मेरा नाम संजू खांडे है और मैं शीतला डीजे में 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और भैया जी स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न साहू का बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता रहा है, मिलता था और आगे वो नहीं है तो भगवान के रूप में उसका आशीर्वाद मेरे को मिलता रहेगा। और मेरे पास सिर्फ खुद का साउंड भी था 2 बॉक्स और भैया जी का आशीर्वाद से आज मेरे पास 8 बेस का सेटअप है, उन्हीं का देन है, उन्हीं का एक एक चीज़ मेरे को सपोर्ट किया है भैया। और उसके जाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है कि वैसा मेरे को सपोर्ट कौन करेगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है मेरे को, भैया जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे को। दोस्तों अब भैया जी के माँ शीतला डीजे के सेटअप में लाइटिंग ऑपरेटिंग करने वाले भैया से मिलाते हैं आपको, ये अपना परिचय और अपना अनुभव दीजिए। मेरा नाम विजय पटेल है और वैसे तो मुंगेली के अंदर में मेरे जितने भी भाई हैं वो सब V2 प्रोफेशन के नाम से जाने जाते हैं, और जितना भी काम है लाइटिंग का मेरे शत्रुघ्न भैया ने मुझे सिखाया है, और जितना भी योगदान है बड़ा सेटअप छोटा सेटअप सभी में शत्रुघ्न भैया मेरे को योगदान दिए हैं कि इसको ऐसा करो उसको ऐसा करो, और जितने भी डिज़ाइन हैं हमारे शत्रुघ्न भैया के द्वारा
बनाए गए हैं और जितना भी वीडियो वायरल हो रहा है ये सब चीज़ हमारे सभी भाइयों के द्वारा हो रहा है और सभी भाइयों का योगदान है जितना भी ये सब चीज़ हो रहा है। जैसा कि हमारे अजय भैया ने बताया कि DVD प्लेयर और मिक्सर के बारे में, वैसे ही हमारे शत्रुघ्न भैया छोटा से छोटा डीमैक्स में ही हम लोग को सिखाना चलाना सब चीज़ सिखाए हैं। वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग को पल वट के बारे में जानकारी मिला और ऐसा ऐसा सामान आना चालू हुआ जिसमें हम लोग को बहुत सहयोग मिलता गया, उसमें और आगे बढ़ते गए हम लोग। जैसा कि अभी हमारे शत्रुघ्न भैया ने बीच में ही Sharpie खरीदे हैं 20 पेटी, उसी में और हम लोग के लिए लेज़र ब्लेंडर और साथ ही 6 एंड ये सब चीज़ हमारे शत्रुघ्न भैया के द्वारा हम लोग को उपलब्ध होता गया और हम लोग कुछ और अच्छा निखार लाते गए सेटअप में, जिसमें हमारे शत्रुघ्न भैया का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों एक और लाइटिंग ऑपरेटर से आप लोग मिलिए। मेरा नाम डोमेश है। पहले स्टार्टिंग में पाल लाइट से स्टार्ट किया हूँ, जो कि भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसको ऐसा लगा कि एक कर पाएगा, फिर अपन Sharpie लाइट चलाना स्टार्ट की। भाई मेरा नाम शुभांग मिश्रा है, मैं एक छोटे से शहर बेमेतरा से बिलोंग करता हूँ और भैया से जुड़े हुए मेरे को लगभग 10 साल हो गए और उसके बाद में तो भैया के साथ हमेशा मिलना आना जाना सब होते ही रहता था। और हमारे जानते में, मतलब मेरे जानते में और मेरे बड़े भैया मिशाल पांडे, उनके हम दोनों हमेशा भैया के हर कोई काम में, हर एक चीज़ में, चाहे वो छोटी चीज़ रहे चाहे बड़ी चीज़ रहे, हम हमेशा उनके साथ रहते थे। और ये भी नहीं है कि भैया आज नहीं है तो नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक खून का रिश्ता होता है, तो खून का रिश्ता तो नहीं है भैया के साथ, लेकिन खून के रिश्ते से ज़्यादा बड़ा हमारा रिश्ता है भैया के साथ। और हमारे जानते में जैसे हमारे भाई है, अजय पटेल हैं, संजू भाई हैं, गोलू है, सादे है, सिक्कू है ना, हमारे भैया महेन भैया है ना, छोटू भाई है, दद्दू है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई, 25 से 30 लोग काम करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब वर्कर हैं। हमारा एक परिवार चलता है माँ शीतला परिवार के नाम से, है ना, और हम हर एक इंसान इसमें एक परिवार का हिस्सा है। और यही है भैया कि आज तक हमारे यहाँ काम ऑपरेटिंग हो चाहे लाइटिंग हो, तो बाहर से तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, है ना। और रही बात, तो हमारे पास ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है, है ना, जिसमें हम इंसान को दिखाएं या दिखावा करें। जब भी थे, जब तक भैया के साथ थे और आज भी हैं भैया के साथ ही, भैया भले हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे दिल में है भैया, और भैया के मार्गदर्शन से बहुत लोग, जो इंसान नीचे में थे वो बहुत ऊपर भी आए हैं। और अब भैया के नाम से क्या बोले भैया, हमारे बीच में तो नहीं है लेकिन एक प्रकार से बोलोगे तो बड़े भाई से बढ़ करते हमारे लिए, और हमेशा कोई भी चीज़ रहता या कुछ भी रहता तो हमेशा चर्चा करते थे और हमेशा एक घर परिवार की तरह हमारा रहना होता था उनके साथ। इसके बाद भाई ये बात और बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का बोलना है कि हमारे भाई स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न साहू जी के जाने के बाद सेटअप, बहुत लोग का बोलना है कि सेटअप बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, या सेटअप, एक सेटअप बजेगा या दो सेटअप बजेगा, तीन सेटअप बजेगा। तो एक मैनेजमेंट होता है ना, हर इंसान को टाइम लगता है और अभी भी भाई के हिसाब से हम लोग 3 सेटअप अभी भी रेडी करके निकाल रहे हैं। और रही बात सीजन आएगी तो हो सकता है हम 4 सेटअप कर दें, 5 सेटअप कर दें, है ना, और हमसे जितना अच्छा हो सकेगा। जैसे भाई थे, भाई के सपोर्ट से बहुत अच्छा होता था, और बहुत अच्छा क्या कि हम आज तक हमेशा कभी किसी का कॉपी नहीं किए और जब भी किए हमेशा एक नया ही किए, ना तो किसी से कुछ लेना, ना किसी से कोई देना, ना किसी से बैर, ना किसी से दुश्मनी, और प्यार से हम लोग हमेशा रहते थे और आगे भी रहेंगे। मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि लोगों की या दुनिया की या कोई भी बोले तो इस बात पे मत आओ, जब भी आपको लगे तो आपके पास इसमें भाई लोग के ब्लॉग में हम आपको नंबर डाल देंगे, आप पूछ सकते हैं, आप जब चाहे तब फ़ोन कर सकते हैं, आपको जैसा सेटअप चाहिए या जो भी चाहिए आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। और रही बात, तो ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग पे रखना या हमेशा आप लोग ध्यान में रखना कि भाई नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सेटअप नहीं बजेगा,
बजेगा। अभी कुछ दिनों के लिए भाई के कार्यक्रम के नाम से हम लोग सेटअप बंद कर दिए थे, तो लोगों का लक्ष्मी विसर्जन से फिर स्टार्ट हो चुका है हमारा सेटअप। लगभग 25 तारीख से हमारा सेटअप बनना चालू हुआ था, 26 से जो हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। और यही बोलूँगा कि हमेशा अपना प्यार बना रखें और आशीर्वाद हमेशा माँ शीतला ग्रुप परिवार के ऊपर रखें। दोस्तों, ब्लू बेस के बारे में कुछ जानकारी भैया जी भी दिए थे, कमलेश भैया जी, अभी आप कुछ जानकारी भैया जी से और ले लीजिए। ब्लू बेस डेव ऑडियो प्रो उताई खिलेश भाई हैं हमारे, लेकिन ब्लू बेस के जो मार्गदर्शन थे कैबिनेट से लेके हर एक चीज़ उसको बनवाने वाले हमारे शत्रुघ्न भाई है ना, हमारे बड़े भैया थे, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हमारे बड़े भैया ही थे है ना, जो मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार खिलेश भैया भाई ने लॉन्च किया था, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है मेन वो हमारे भाई ने ही करवाया था। उसका कैबिनेट से लेके उसका कलर है ना, उसका साइज़, उसकी वायरिंग, उसका मतलब जो भी चीज़ है वो हमारे भैया ने ही करवाया था। और रही बात तो खिलेश भाई का भी हमारे पास बहुत सारा सपोर्ट रहता है, और देव ऑडियो से एक बोलोगे तो घनिष्ठ शीतला परिवार में वो भी आते हैं और हम एक देव परिवार में भी आते हैं, क्योंकि देव कैबिनेट ऐसा है कि हमारा भाई जैसा रिश्ता है उनसे, और हमेशा ये संबंध बने रहे। माँ शीतला की कृपा मेरे पूरे शीतला परिवार, देव परिवार सबके ऊपर बने रहे, मैं यही चाहूँगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में माँ शीतला डीजे सर्वश्रेष्ठ डीजे में से एक डीजे है। दोस्तों, अभी आप लोगों को हम मिला रहे हैं शीतला परिवार के सभी सदस्य से। दोस्तों, शुभांग भैया ने हम लोग को बहुत हेल्प किए यहाँ आए तो मुंगेली में शीतला डीजे से मिलने, एक एक चीज़ के बारे में, डीजे के बारे में हम लोगों को सिखाए और बताए कैसा इंटरव्यू लेना चाहिए। दोस्तों, हम लोग जैसा भी इंटरव्यू ले रहे अपने हिसाब से ले रहे हैं, आप लोगों को भी लगता है कि कुछ ऐसा जानकारी लीजिए, कुछ कुछ जानकारी अपने हिसाब से बताइए, जिससे डीजे वाले के पास हम लोग जाए तो हम लोग उनसे क्वेश्चन कर सकें। हम लोग भी अभी स्टार्ट किए हैं, कुछ कुछ गलती होता है हम लोगों से, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए दोस्तों, और कुछ सिखाने का भी प्रयास कीजिए। यहाँ हमारे भाई आए हैं, दो भाई हमारे आए हुए हैं, एक भाई हमारे श्रीनिवास, एक भाई जो हमारे वीडियो ले रहे हैं, कैमरामैन है, जो कि आनंद भाई है हमारे। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप इनके चैनल को छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स है ना, आप इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई लोग के साथ हमेशा प्रेम संबंध बनाए रखें, मैं यही चाहूँगा। भले भाई लोग का काम अभी नया है या जो भी है, लेकिन अगर कहीं पब्लिक का सपोर्ट होगा और प्यार होगा तो भाई लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं आप लोग से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भाई लोग को बहुत प्यार दें, स्नेह दें, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों, माँ शीतला डीजे की और अधिक जानकारी के लिए या उनकी बुकिंग के लिए माँ शीतला डीजे का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और नंबर भी दे देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शीतला डीजे के ऑनर से इंटरव्यू कैसा रहा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जैसा कि आप लोग को मिलाए हैं हम लोग पूरे शीतला परिवार के साथ, उन लोगों का भी इंटरव्यू कैसा रहा कमेंट जरूर लिख के हमें बताएं। ऐसा का भाई का चैनल है यूट्यूब छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स में, भाई का चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट करें। मैया की जय।